नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर की फ्लो टेस्ट कराने की मांग, का शिवसेना के 39 विधायक सरकार के साथ नहीं। राज्यपाल ने उद्धव सरकार को विशेष सत्र बुलाने के लिए भेजा पत्र, एमबीए को बहुमत साबित करने को कहा, कल होगा फ्लोर टेस्ट। महाराज संकट के बीच फडणवीस की ताजपोशी की तैयारी, सीएम उद्धव ठाकरे को साबित करना होगा बहुमत। महाराज संकट को लेकर उद्धव कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रियों के प्रस्तावों की हकीकत जानेंगे राज्यपाल कोश्यारी। वाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे एकनाथ शिंदे ने की पूजा अर्चना, कहा कल जाएंगे मुंबई, फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया में होंगे शामिल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बागी विधायकों को चेताया, कहा भाजपा वो अजगर जो एक बार में निगलता है पूरा बकरा। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद बिगड़े हालात, 3 महीने में 3 जिलों में तनाव, 4 साल में 6 बड़ी हिंसा। पाकिस्तान के दावते इस्लामी संगठन से जुड़े आरोपियों के तार, गिरफ्तार हत्यारोपियों से एनआई और एसआईटी करेगी पूछताछ। उदयपुर की घटना के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट पर बैन, जांच के लिए एनआईए की टीम रवाना, एसआईटी भी गठित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, का माहौल ना बिगाड़े, किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। उदयपुर की घटना को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी, अपर पुलिस महानिदेशक बोले माहौल खराब किया तो खैर नहीं। अजमेर दरगाह के दीवान ने की उदयपुर घटना की कड़ी निंदा, बोले भारतीय मुसलमान तालिबानी मानसिकता को नहीं करते स्वीकार। के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी, जिंदल के ईमेल पर भेजा गया उदयपुर घटना का वीडियो। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम ट्रूडो ने की जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संकट को लेकर भी हुई बात। स्वदेश निर्मित टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर हासिल की कामयाबी। जीएसटी काउंसिल आज करेगी कैसीनो और ऑनलाइन गेम पर फैसला, राज्यों ने कहा घाटे की भरपाई के लिए 5 साल और दें जीएसटी मुआवजा। WHO ने नाइजीरिया में की मंकी पॉक्स से पहले मौत की पुष्टि, रिपोर्ट में दावा दुनिया भर में अब तक मिले 3,413 मामले। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 14,506 नए मामले, इस दौरान 30 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोल कर दान जारी, सूत्रों का दावा अभी भी हर महीने 1 करोड़ दे रहे हैं भक्त। बिहार में आंधी तूफान और बिजली से 22 लोगों की गई जान, यूपी के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। हरिपुर के चुराचांदपुर से म्यांमार के 80 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, किराए के मकान में रह रहे थे, नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर MIDC प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, हुए कई धमाके। जम्मू के बालटाल में अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आधार शिविर से दिखाई हरी झंडी। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए mRNA टीके को मंजूरी, सरकार ने 7 से 11 साल के लिए कोवोवैक्स टीके को दी हरी झंडी। बिहार में भाजपा JDU में चल रही तकरार पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, बोले नीतीश कुमार 2025 तक प्रदेश के बने रहेंगे मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला TMC का प्रतिनिधिमंडल, कहा जांच में स्वतंत्र रूप से काम करें केंद्रीय एजेंसियां। शिवराज ने इंदौर के परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का किया वादा, बोले देश के सबसे स्वच्छ शहर में अगले साल से दौड़ने लगेगी मेट्रो। सरकारी स्कूलों से बरसों से गायब चल रही 4 शिक्षिकाओं पर कार्रवाई, नोएडा की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी को पद से किया बर्खास्त। ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया उद्धव सरकार को गिराने का आरोप, बोली लोकतंत्र को खत्म करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। बिहार विधानसभा में अग्निपथ को लेकर पक्ष और विपक्ष में विवाद, बहस की अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने मानसून सत्र का किया बहिष्कार। अब पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन नहीं होगा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला, ममता सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के फैसले को पलटने का दिया आदेश। देवबंद में JMB मामले को लेकर NIA की टीम ने की छापेमारी, आतंकवादी समूह की विचारधारा का प्रचार करने में शामिल थे बांग्लादेशी। जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर ने की मांग, बोले प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के नतीजे होने चाहिए सार्वजनिक। आकाशीय बिजली गिरने से मांधातेश्वर महादेव मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हुआ हादसा, किसी को नुकसान नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में मजबूत ढांचे की बताई जरूरत, बोले 2047 तक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनानी होगी नई तकनीक। आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाएगा Goal 2 कार्यक्रम, मेटा और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने की दूसरे चरण की घोषणा। छत्तीसगढ़ में 19 जिलाधिकारियों और 37 अधिकारियों का तबादला, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर और कबीरधाम जिले के बदले गए DM। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों के किनारे हरियाली पर दिया जोर, बोले निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों के एवज में लगेंगे 5 गुना पौधे। काशी विश्वनाथ धाम के भक्तों के लिए बदलेगी व्यवस्था, अब मोबाइल और अपने सामान के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे श्रद्धालु।
उत्तराखंड सरकार में ओएसडी बने पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे को बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण की मिली कमान। हिमाचल के कुल्लू में 300 रुपए महंगी हुई पैराग्लाइडिंग की एक उड़ान, एरो स्पोर्ट्स एवं रिवर राफ्टिंग समिति की बैठक में लिया गया फैसला। नौकरियों में राजस्थान के लोगों को मिलेगा 100% आरक्षण, सीएम अशोक गहलोत बोले मामले का करवा रहा हूं कानूनी परीक्षण। योगी कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति 2021 को दी मंजूरी, होमगार्डों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलेगा 786 रुपए का भत्ता। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पद से दिया इस्तीफा, निदेशक मंडल ने आकाश अंबानी को दी दूरसंचार सेवा कंपनी की कमान। असम के कछार जिले में बाढ़ के पानी में डूबा कैंसर अस्पताल, गंभीर मरीजों को हो रही परेशानी, सड़क पर किया जा रहा है उपचार। भारत ने आयरलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 4 रन से हराया, 2 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से किया कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 225 रन, जवाब में 20 ओवर में 221 रन ही बना सका आयरलैंड। दीपक हुड्डा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक ठोका, T20 में भारत के लिए शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। मुंबई इंडियंस ने IPL के अगले सीजन की शुरू की तैयारी, भारतीय घरेलू क्रिकेटर 3 हफ्ते के लिए करेंगे ब्रिटेन का दौरा। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, खराब फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे थे विश्व कप जिताने वाले मॉर्गन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।